नहीं दिया हुआ है तो देख वाशिंग सोडा एन ए टू चौथा कंपाउंड पर रहे थे नहीं नाम देख वो मैंने दे देंगे हाँ नहीं दो चार को नाम जो इसका था वो हम लोग लिख चुके थे अब देखो तो इसका हम लोग प्रिपरेशन पढ़ रहे थे प्रिपरेशन कैसे बनाया जाता है तो अमोनिया सोडा विधि या सोल विधि द्वारा इसको तैयार किया जाता है। तो होता क्या है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में किसके जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड ले लो इसका लेना होगा जलीय विलयन क्या मिलाना पड़ेगा इसमें जल में वाटर मिला दिए नहीं सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया और सी टू गैस प्रवाहित करने पर कौन गैस प्रवाहित करेंगे अमोनिया और दोनों गैस ही है यानी भी गैस टू गैस प्रवाहित जब करेंगे ऐसा करने पर सोडियम कार्बो सोडियम बायकार्बोनेट का निर्माण होता है किसका निर्माण होगा सोडियम बायकार्बोनेट तो एन ए एच सी ओ थ्री इस टाइप रिएक्शन पहले देख चुके हैं और ये भी बनता है एन एच फोर अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बायकार्बोनेट बनेगा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हो कल कई नाम इसका हम लोग पढ़े थे नहीं तो एन एस सी एल प्लस एस टू ओ एन एस थ्री प्लस सी ओ टू बन गया एन एच फोर सी एच देखो यहाँ एन एच थ्री है ना एन एच फोर सी एल इसे को ले करके इसको ले करके एन एच फोर सी एल बना लिया फिर सोडियम एगो हाइड्रोजन इसका नहीं एगो हाइड्रोजन यहाँ जा चुका था ना एगो हाइड्रोजन बचा ना यहाँ पर एन ए एच सी ओ ये दोनों ऑक्सीजन इस प्रकार कुछ समथिंग याद रख सकते हो या थोड़े करना कहीं थोड़े पूछना अब देखो अब फिर क्या करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर जो सोडियम बाइकार्बोनेट मिला यानी कि एन ए एच सी ओ थ्री को हम लोग क्या करेंगे गर्म करेंगे नहीं यहाँ डायरेक्ट एन ए टू सी थ्री गर्म करके एन ए टू अच्छा वो दूसरा कुछ उससे अलग वाटर का अलग करना होगा तो सोडियम लोग सब करते हैं तो एन ए एच सी ओ थ्री को हम लोग क्या करते हैं यहाँ से हीट करेंगे इसको गर्म करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट यानी कि एन ए टू नाम सब याद होगा ना इसका इसका नाम सोडियम कार्बोनेट हो गया अब बाइकार्बोनेट एस सी ओ थ्री होता है इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हो तो एन ए एस सी ओ थ्री को गर्म करने पर क्या बनेगा सोडियम कार्बोनेट का घोल प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट का क्या प्राप्त होता है घोल प्राप्त होता है तो यानी कि एच टू ओ इन दोनों का सोल्यूशन मिलेगा इन दोनों क्या मिलेगा मिला हुआ लदबन दही टाइप से कुछ समथिंग कह सकते हो घोल प्राप्त होता है नहीं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी वो निकल जाएगी अब क्या करेंगे इसका रवाकरण करेंगे अरे घोल प्राप्त हुआ तो सुखाएगा ना इसका एन ए टू सी ओ थ्री सोल्यूशन को लेंगे एस ओ एल टी आई सोल्यूशन को क्या करेंगे रवाकरण करने पर खाकरण नहीं है रवाकरण करने पर नहीं रवाकरण करने पर इस घोल का रवाकरण करने पर धोवन सोडा प्राप्त होता है इसका क्या करेंगे हम लोग रवाकरण करेंगे तो ऐसा करने पर क्या मिलेगा धोवन सोडा मिलेगा यानी कि एन ए टू सी ओ थ्री एन एच टू ओ रवाकरण करेगा तो ऊपर वाला जो जल होगा वो तो उड़ ही जाएगा ना लेकिन मोलिकूल के अंदर का जल होगा वो थोड़े उड़ेगा वो तो नहीं उड़ेगा तो दिक्कत ये चीज़ हो गया जैसे भुंजा भुंजते चावल में तो बना चावल में पानी है ऊपर कच्चा चावल नहीं दिखता है लेकिन पानी तो है उसमें उसके मॉलिक्यूल के अंदर का जो पानी हो तो थोड़े सूखा है गर्म करने के बाद वो पानी तो अंदर में ही रहेगा ना खत्म कुछ करेगा तो पानी नहीं होगा यदि 100% पानी निकल जाएगा ना तो वो सॉलिड बन जाएगा लोहा तरह बन जाएगा लोहा के बीच में कुछ भी वाटर काटर कुछ भी नहीं है आज तक तो 100% सॉलिड है नहीं क्योंकि दांत तरह लेते हैं तो खत्म हो जाता है वो ना इस कारण से तो मॉलिक्यूलर वाटर जो है ना उसके मॉलिक्यूल बीच में गैप होती जगह जो है वो इसके बीच में जो फंसा होगा ना पानी वो पानी रहता ही है तो रवाकरण करने मतलब सुखाने पर हम लोग इसको क्या करेंगे एन ए टू सी ओ थ्री एन एस सी ओ मिलेगा यही वाशिंग सोडा है इस प्रकार से क्या करता है वाशिंग सोडा एक तुम्हारे यहाँ भी प्रोसेस यह हुआ डायरेक्ट वहाँ तो हाँ वहाँ कुछ और दूसरा चीज़ वहाँ पर है वो हम लोग बाद में देखेंगे है ना एन ए टू सी ओ थ्री को उसको हम लोग हीट करके हाँ वो तो एक्शन ऑफ हीट हम लोग उस पर देखेंगे तब पढ़ेंगे अब देखो प्रॉपर्टीज इसका देखो कल फिगर साथ दिखाए थे निकाल के रखो डाउनलोड क्या हुआ था यह सफ़ेद ठोस पदार्थ होता है कल दिखाए थे यह सफ़ेद ठोस पदार्थ होता है सफ़ेद ठोस पदार्थ होता है ये सब क्वेश्चन कुछ भी नहीं आता है क्वेश्चन क्या आएगा वो लास्ट में हम लोग बात करेंगे नहीं और यह जल में अधिक घुलनशील देखो वो भी सफ़ेद ठोस पदार्थ था कौन एन ए सी ओ थ्री
वो भी सफेद स्वच्छ पदार्थ था और वो भी जल में घुलनशील था। अरे सर्च किसके बारे में कल मारे थे, डाउनलोड होगा देखो ना गैलरी में जाकर के रखा होगा सब। दो नंबर में यह गैलरी में देखो, यह जल में अधिक घुलनशील होता है। अधिक क्या हुआ, घुलनशील होता है। अब देखो इस पर एसिड का क्या इफेक्ट पड़ेगा, एसिड का नहीं मिलता है तो छोड़ दो, पहले पढ़ लो, जब जरूरी होगा तो देख लेंगे। एक्शन एक्शन ऑफ एसिड, Na2CO3 जो है सोडियम कार्बोनेट एसिड से करेगा रिएक्शन। किसे करेगा रिएक्शन, सकरा श्रेणी याद है ना, एक्टिव सीरीज पोटेशियम मीडियम सोने मैग्नीशियम लोहा निकल सीसा हाइड्रोजन कवर पराचंदी सोना प्लेटिनम दी 12 शायद 15-16 जो भी एलिमेंट है याद होना चाहिए, उसी के बेसिस पर ये सारा मतलब ये बनता है। तो Na2CO3HCl को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रिएक्शन कराएंगे, मतलब नहीं Na2CO3 का सोडियम कार्बोनेट किससे करेंगे रिएक्शन, एसिड से करेंगे, HCl से कराएंगे रिएक्शन। अब देखो कार्बोनेट और HCl, ये Na प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो Na2CO3 से CO3 हटेगा तो यहाँ पर कौन आएगा, NaCl ही आएगा ना, ये प्लस वाला आएगा नहीं क्योंकि दोनों तो प्लस चार्ज हो जाएगा ना, नेगेटिव वाला आएगा ना, तो HCl यहाँ चला गया, तो सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बनने लगा, सोडियम क्लोराइड बनने लगा। उसका फार्मूला होता है NaCl, क्या होता है फार्मूला उसका, NaCl, क्योंकि सोडियम का वैलेंसी एक और क्लोरीन का वैलेंसी एक होता है, अब बन गया हाइड्रोजन और CO3 तो बनाने लगा, जल बनाती है और क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। यहाँ सोडियम दो गो है ना, यहाँ भी सोडियम कितना देना पड़ेगा, दो, दो, दो। क्लोरीन क्या गो है, एक गो क्लोरीन क्या हो गया, इधर दो गो क्लोरीन हो गया, इसलिए क्लोरीन क्या दे देंगे हम लोग दो गो, जैसे क्लोरीन दिया दो गो हाइड्रोजन, देखो इधर क्या गो है, दो हाइड्रोजन दो, हाँ उसके बाद कार्बन एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन तीन, ऑक्सीजन यहाँ से दो एक तीन, सब बैलेंस होगा और ना, तो एक्शन ऑफ एसिड इस प्रकार से पढ़ेंगे। चार नंबर में एक्शन ऑफ CO2, अच्छा इसके जलीय विलयन में, किसके जलीय विलयन में, Na2CO3 के जलीय विलयन में, Na2CO3 के जलीय विलयन में, जलीय विलयन बोला है तो वाटर हीट करना पड़ेगा, और इसके जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे, कौन गैस करेंगे प्रवाहित, ऐसा करने पर NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होती है, सोडियम क्या गो दूगो, सोडियम क्या गो दूगो, सोडियम दूगो, जैसे हाइड्रोजन क्या गो हो गया दूगो है पहले से, कार्बन क्या गो दूगो है, कार्बन क्या गो है यहाँ से Na3CO3 है ना, अरे कार्बन छ कैसे हो गया, दिमाग अच्छा हो रहा है, कार्बन तो इधर दो एस गुना है, छ ऑक्सीजन में सब है ना, कार्बन एक, कार्बन एक, कार्बन ऑक्सीजन तीन एक चार, ऑक्सीजन ऑक्सीजन रुको तीन एक चार दो छ, तो तीन दिनों छः ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन दूगो बैलेंस हो गया, समझना क्या ना, रिएक्शन ऑफ किसका, ये सब जनरल कमीशन में सब क्वेश्चन नहीं आती, नहीं एक ही क्वेश्चन आएगा, आता ही है जो बोल दिए वो आएगा, सीधी सी बात है, उसमें कोई ऐसी वाला गप नहीं है, नहीं स्टार पॉइंट देना को, जो पॉइंट तुमको देना है, चार पाँच पाँच डिजिट होगा। पाँचवा नंबर एक्शन ऑफ हीट, तो डेरा जाकर शॉर्ट नोट बनाओ, जो पूछता है हम तो पहले कर दिए कि जो जो एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जाकर अपना बनाओ शॉर्ट नोट तुम। एक्शन ऑफ हीट जो जो कह देते हैं वो फालतू कह भी नहीं करते, एक्शन ऑफ हीट देखो लिखो, पूछता है Na2CO3 और 10H2O को इसको क्या करेंगे, हम कुछ और सोच रहे हैं Na2CO3 से NaHCO3 कैसे बनाया जाए, नहीं अच्छा वो वाला रिएक्शन पढ़े थे ना, वहाँ तो बताए होंगे, हाँ बताया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेगा ना, यही क्वेश्चन पूछे, अच्छा वो क्वेश्चन बता चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि यहाँ जो है रिएक्शन लिखा हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेगा ना, तो सोडियम कार्बोनेट उसे प्राप्त होती है, नहीं तो वैसे थोड़े पूछता है, उसको जो क्वेश्चन पूछना होगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो हम लोग नाम देखे थे, कहेगा कि बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे, या उसे कहते मीठा सोडा या खाने वाला सोडा कहते हो, नहीं मीठा सोडा या बेकिंग सोडा क्या करेंगे हम लोग गर्म करके, देखो यहाँ लिख देते हैं बेकिंग सोडा को क्या करेंगे हम लोग हीट करेंगे, बेकिंग सोडा को हीट करने पर वाशिंग सोडा मिलता है, ये बात जान लो, यही चीज़, और ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, ये बराबर एग्जाम आता है क्वेश्चन कि वाशिंग सोडा कैसे हमको मिलेगा, तो कोई बात नहीं बेकिंग सोडा होगा ना उसको क्या कर दो गर्म कर दो तो क्या मिल जाएगा वाशिंग सोडा, याद कर देना क्वेश्चन को। अब बेकिंग सोडा का नाम अलग अलग हम लोग बहुत कुछ मीठा सोडा खाने वाला सोडा बहुत सारा सोडा पढ़े थे, नहीं अब वाशिंग सोडा का भी पढ़े थे, तो कल तो वाशिंग सोडा लिखवे किए थे सब बात,
तो ये तू ध्यान रखना, ध्यान में तुमको एग्जाम में कम देगा वो चीज़ नहीं। अब यहाँ से क्या देखेंगे हम लोग, हाँ तो एक्शन ऑफ हीट में Na2CO3 इसे गर्म करने पर इसके रवा जल गायब हो जाते हैं। इसे गर्म करेंगे तो रवा जल क्या होंगे, रवा जल मतलब जो उसमें पानी तानी होगा ना, रवा के बीच में पार्टी के बीच में पानी क्या होगा, गायब हो जाएगा। मॉलिक्यूलर पानी नहीं, रवा पार्टी के बीच में जैसे पानी वो गायब होगा। तो Na2CO3 10H2O और अनाद्र सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होती है, इसे सोडा एस कहते हैं। हाँ गर्म करो इसको, इसको हीट करेंगे हम लोग नहीं, इसको हीट करेंगे तो Na2CO3 सोडा एस मिलेगा। मतलब क्या मिलेगा, ये थोड़ा सा तो पानी था ना, ये राख टाइप से मिल गया, और जल जो था ना 10 अणु रवा जल, वो जल क्या हो गया, उड़ गया हीट करने पर। यही बात यहाँ भी है, वाटरलेस सोडा एस, ये क्या हो गया वाटरलेस, Na2 इसमें वाटर नहीं है, इसमें क्या था, वाटर। इसीलिए यहाँ पर Na2CO3 10H2O कहते हैं, 10 अणु इसमें क्या है, रवा जल है। देखो वो जो आप मुझको पढ़ाए थे ना वाटर हार्डनेस के बारे में, टेम्प्रोरी परमानेंट, तो मैंने पहले ही कर चुका हूँ, पढ़ा चुके हैं ना। हाँ तो ये क्वेश्चन आती है एग्जाम में वहाँ से, कितना कितना ये सब नहीं जानना है, वो सब टेक्निकल थोड़ा सा हो गया तो वो सब नहीं काम है। पेज लाओ इसके बाद जो कंपाउंड कौन है, अब कंपाउंड्स अब पढ़ेंगे हम लोग, कैल्शियम का कंपाउंड समझ में आ गया ना। अच्छा यूज, यूज देख लो, यूजेज ऑफ, हाँ यूजेज ऑफ इसका यूज देखो, Na2CO3 10H2O का यूज जीवन में करते हो, कप वाशिंग सोडा है तो कपड़ा साफ करने में, वाशिंग सोडा ये ना ये कि धोबन सोडा है, धोबन सोडा अच्छा वही वाशिंग, अच्छा वाशिंग सोडा उसी कहते हैं, कपड़ा साफ करने करने में, मीठा सोडा बनाने में, मीठा सोडा बनाने में। देखो इससे पहले एक चार्ट पर लिखे थे, उल्टे लाओ, मीठा सोडा बनाने में लिखे थे ना ये बात, Na2CO3 का है ना, Na2CO3 का जो उपयोग है मीठा सोडा। अरे इससे पहले वाला पेज कहाँ है, लाओ ना पेज वो खोल करके, देखो यहाँ पर जो पेज देखे थे कि बेकिंग सोडा को हीट करेगा तो क्या मिलेगा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या कहते हो, वाशिंग सोडा कहते हो ना, नहीं बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा कहते हो, इससे क्या मिल गया, वाशिंग सोडा, धोन सोडा मिल गया ना, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखे हैं, मीठा सोडा बनाने में, यानी कि बेकिंग सोडा बनाने में भी इसका यूज किया जाए, धोन सोडा का बात तो जान लो, ये बोल रहे हैं कि कपड़े धोने में खाली काम आता है, भरा में मत रहना। और दोनों का मॉलिक्यूल देखो, इसीलिए दोनों का लाए हैं, देखो कितना सिमिलर है दोनों में, नहीं है सिमिलर है, पता कर पाना वैसे तो मुश्किल भी रहेगा, थोड़ा रोटेशन तो काहे ऑफ करके रखते हो ये गैलरी में, अरे गैलरी तैलरी कहाँ गया रोटेशन इसका है यार, गैलरी में सिखाता है गैलरी में। अब समझ में आ गया ना, ये कौन सोडा है, ये बेकिंग सोडा, ये क्या है, वाशिंग सोडा, तुमको दे देगा तो नहीं पहचान पाएगा, अब पहचान लेना। बेकिंग सोडा होता है ना तो खूब महीन होगा, पूरा महीन, और वाशिंग सोडा होगा ना उसका मॉलिक्यूल थोड़ा सा साइज बड़ा होता है, देख रहा है इसमें, इस प्रकार से पकड़ लेना। जो बहुत पढ़ल लिखल लोग है ना, एक मुट्ठी लेना बेकिंग, एक लेना एक मिट्टी में क्या लेना, और कहना बताओ कौन खाने वाला सोडा है और कौन अथी वाला सोडा, दुकानदार कन्फ्यूज कर जाएगा। नहीं कोई दिक्कत, कभी कोई दुकानदार को घाटा लगाना होगा ना, तो एक पैकेट में एक डिब्बा में क्या रख देना, एक डिब्बा में क्या रख देना, धोबन सोडा, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, वो चीन मिठाई बनाएगा ना, अब वो कन्फ्यूज हो जाएगा, अगला बेकिंग कौन है, मीठा सोडा कौन है और धोबन सोडा कौन है, दिमाग उसका क्या होगा, यूज कर जाएगा। तो दिक्कत इतना बेवकूफ तो नहीं होगा, सुगंध से पता चल जाएगा कि कौन बेकिंग है कौन क्या है, ये बात ध्यान रखना। अरे सरफ, सरफ लाओ खरीद करके, उसका टेस्ट और इसका, इसका तो सेंट अलग अलग नहीं होता है, तो सेंट से सरफ का तो कुछ अनस्टेप चलेगा तो अपने पता चल जाएगा ना, इतना बेवकूफ मत, तुमको ही बेवकूफ बना देगा वो, जैसे तो बोलते अपने आप को तीस मार खा, समझ में आ गया ना। चलो पकड़ो पेज को, हाँ धोवन सोडा मीठा सोडा बनाने में और धोवन सोडा बनाने में,
धोवन सोडा बनाने बनाने में। चलो ठीक है, तो हम लोग कुछ इस प्रकार से तुम लोग को बुक कहला, तो उसमें सोडा दिया था पढ़ने के लिए क्या? नहीं मिला, नहीं दिया था। अच्छा अच्छा, इसमें मारो तो कहाँ कौन सोडा पढ़ रहा था अभी, कौन सोडा पढ़ रहा था अभी? पढ़ा ना, लिखो ना, यूजेज ऑफ धोवन वाशिंग सोडा, यूजेज ऑफ लिखो वाशिंग सोडा, यूजेज ऑफ वाशिंग सोडा, डिजिटल कुछ मिल जाएगा, यूजेज ऑफ वाशिंग सोडा। और भी बहुत सारा यूज होता है इसका, नहीं तो तू पढ़ सकते हो। हाँ तो ढेरी यूज है, देख लो उसमें नहीं दिया हुआ है। इसमें भी बहुत सारा यूज दिया हुआ है, जिसे दूसरा यूज कह देते हैं, जल की अस्थायी कठोरता को हटाकर मृदु जल बनाने में होता है। पढ़ाए थे ना, वाटर में दो प्रकार का हार्डनेस, एक परमानेंट एक टेम्पोरी हार्डनेस होता है। तो हाँ, तो जो रहेगा ना अस्थायी कठोरता, परमानेंट हार्डनेस हटा करके मृदु जल, नहीं नहीं डेड वाटर डेड जल बनाने में इसका यूज है। और भी बहुत सारा यूज है, तुम जा करके पढ़ सकते हो। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी अगला कंपाउंड जो यहाँ से है, अगला कंपाउंड है कंपाउंड ऑफ कैल्शियम, कंपाउंड ऑफ कैल्शियम। देखो कंपाउंड ऑफ कैल्शियम, पहला कंपाउंड है CaO, पहला कौन कंपाउंड है? CaO, नाम नहीं लिखेंगे हम लोग, पढ़ते जाएंगे। चलो बोलो CaO का नाम, इसमें कंपाउंड ऑफ कैल्शियम है? नहीं इसमें नहीं। अच्छा इसमें नहीं है, इसमें उस दिन देखे थे ना, वो चीज़ डिस्कस कर देते हैं। हटाओ प्लीज हटाओ, कंपाउंड ऑफ कैल्शियम। अच्छा हाँ, यहाँ तो कुछ फैक्ट्स यहाँ से भी मिल जाएगा हमको। देखो कंपाउंड ऑफ कैल्शियम है, तो पहला तो कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, इसका नाम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हो गया नाम? कैल्शियम ऑक्साइड। हटा इसको, आगाम करता है वो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम पलट दो, जिम में रख लो, कम लगेगा, अभी कम भी नहीं नहीं है, अब कम नहीं लगेगा। हाँ तो हाँ सर्च मार्क देख लो, मैं देख लो सर्च मार्क, कैल्शियम ऑक्साइड वो तो कैल्शियम है, यहाँ पर क्या है? कैल्शियम, दोनों धरती आसमान का फर्क, कैल्शियम विटामिन कम हो गया शरीर में, कैल्शियम किया जाता है, समझ में आ गया ना? कैल्शियम ऑक्साइड, इसी का इसका नाम क्या हो गया? इस नाम से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आती, एग्जाम में क्वेश्चन किस नाम से आएगा? क्विक लाइम का फार्मूला क्या होता है, क्या कहेगा एग्जाम में? QUICK, इंग्लिश हिंदी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्या पूछेगा? अरे खूब पूछता है, छिट्टा भर भर क्वेश्चन एग्जाम आता है, क्विक लाइम का फार्मूला बताओ। हिंदी में इसी को कहते हो कली चूना, हिंदी में क्या कहते हो इसको? कली चूना कहते हो, नहीं हाँ इसी को कैल्शियम ऑक्साइड नाम, बिना बुझा चूना का, बुझा चूना नहीं, बिना बुझा चूना, यानी कि बिना वाटर एड के, इसमें वैसे मार्केट चलाएगा तो गर्म रहेगा। पूछ लेना उससे, आजकल तो समय दीपावली के है, लोग ढकिया भर भर के लाता है, नहीं इसी को क्या कहते हो? बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, और यही है अपना, यही चूना है, याद करो। मार्केट में 30% में पैकेट मिलता है, आधा पैसा एक केजी का मिलता है ना, एगो बड़ा में मिलता है, वही है, समझ में आ गया ना? और ये जान लो, और इसी चूना से सीमेंट, CaO से सीमेंट बनाया जाता है। सीमेंट जो बनाया जाता है ना, 60-65% CaO ही रहता है सीमेंट में। आज से हाँ बहुत साल पहले, 500-600 साल पहले जो भी तुमको हिमाची बना है, क्या कहते हो वो, लाइन से ही बना है, एक विशेष प्रकार का पेस्ट बना करके, शाहजहाँ की ताजमहल जो बना है, समझ में आ गया ना, वो उसी संगमरमर से बना है ना, उसमें जो सीमेंट क्या होती है, एक प्रकार का पढ़ोगे ना, बॉन्डिंग एजेंट होती है, वो बांधने का काम करता है, गोंद का काम जैसे करता है ना, सीमेंट का भी काम वही है। और यही काम पहले लाइन का था, लेकिन देखा देखिए देख लो तू बताओ, सीमेंट से घर बनाएंगे वो ढेर दिन टिकेगा कि लाइम से बनाएंगे, इस चूना से बनाएंगे वो ढेर दिन टिकेगा? कैसे समझा? घर जोड़ना जा कर आजकल चूना से है, चूना पे दीवार देखे हो कभी? देखे हो चूना तो महंगा। अरे वो नहीं, चूना से बनाओ घर, सीमेंट से बनाओ घर, ज़्यादा साल तक कौन टिकेगा? ये भी तुमको पता नहीं, तुम बताओ। अरे आश्चर्य है, सीमेंट से बनाता है घर सर, अधिकतर सीमेंट। हम क्या बोले, छुचे चूने यूज करके बनाएंगे, बस चूना से घर बनाना है, सीमेंट से घर बनाना है,
तो ज्यादा समय तक कौन घर टिकेगा, जलैया वाला है ना। लेकिन उल्टा होता है ना, इसीलिए तो पूछे। वो तो झूठे से सही मार दिया थी। नहीं, चूना यदि घर बनाया जाएगा नहीं, बात जान लो, वो बहुत साल तक, हजारों साल तक चलेगा, लेकिन सीमेंट से नहीं चलता है। इसके पीछे कारण है कि उसमें फर्टिलाइजर दिया गया है केमिकल का, और केमिकल वो रिएक्शन करने लगा, एनवायरमेंट से रिएक्शन करके डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो। और चूना से लेकिन देखो घाटा किया है, हम लोग पेपर ही पढ़ते हैं ना, चूना और सीमेंट में कारण किया है। चूना से जल्दी बॉन्ड बनेगा नहीं, दूटा जोड़ो और छोड़ दो दिन, फिर अगला दिन आके जोड़ना ही था, दिक्कत होगा, धीरे धीरे होगा ना। एक ही बार तू सीमेंट में क्या होता है, केमिकल है, केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे पानी ऐड करेगा ना सीमेंट का, हाइड्रेशन अटैक हो जाएगा, उसे हीट निकलना अटैक हो जाती है गर्म, जिसे भाप डैप से कहते हो। पानी डालेगा ना सीमेंट में, तो रेट ऑफ हाइड्रेशन रिएक्शन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है पानी डालने के बाद ही। उसमें वैसे रिएक्शन नहीं होती है बिना पानी, जब तक पानी डालते हैं रिएक्शन नहीं होगा, पानी डालेगा रिएक्शन स्टार्ट होगा, धैन है अपना रिएक्शन स्टार्ट करेगा, और वो रिएक्शन 10 साल तक करीब चलते रहता है। तो साल तक मौजूद नहीं, वो 100% सीमेंट सेट नहीं होता 28 दिन में, तुमको लेबर मिस्त्री कहता ठोस हो गया, नहीं वो 10 साल से ज़्यादा तक, अभी तक रिसर्च में पता किया गया है कि 10 साल तक वो रेट हाइड्रेशन रिएक्शन चलते रहता है, कि 100% उसका पूरा स्टैंड 10 साल में जाकर आता है। देखो गवाही दिया ना उसने, टाइम पर एंट्री मारा है, नहीं उसमें टेक्निकल आदमी तुम बताएगा ना। तो ये बात होती है, तो चूना से अगर बनाना होगा तो उसमें यूज करना होगा ना, जैसे ताजमहल जो बनाया गया है तो बहुत अदर कंट्री से पेड़ का रस उस निकाल करके उसमें ऐड करके जड़ी बूटी तरीका से चूना में तर कर तब इस प्रकार से बनाया गया है घर, तब अभी तक वो टिका हुआ है। लेकिन वो उसका डिस्ट्रॉय हो रहा है, का है ऊपरी सरफेस सब काला पड़ रहा है, का है पीला पड़ रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग करते हुए एसिड रेन होती है उसके आसपास, पॉल्यूटेंट है, बहुत सारा फैक्ट्री इंडस्ट्री उसके बगल में लगा हुआ है, उससे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड और भी हानिकारक गैस है, वो पानी से रिएक्शन करके नीचे गिरेगा पानी के साथ, पानी मान लो गैस है पानी ऊपर से गिरेगा तो पानी के साथ वो भी आएगा ना, कि रिएक्शन कर करके एसिड बना लेता है वो SO2 जो है ना, पानी रिएक्शन करके अम्ल बना लेती है, अम्ल गिरेगा तो तू जन्मे करते हो, अम्ल गिरेगा तो क्या होता है, सैड सीरियल में खूब देखा होगा, शरीर पर गिरने का एसिड क्या होगा, इतना कहने वाला कोई गपे नहीं है, तो ये सब रीज़न उसके पीछे है। नहीं जानना होगा तो डिटेल से आने वाले समय में पढ़ना कभी। तो ये तो हाँ, तो लेकिन ये ही है, उसके लिए स्पेशल कलाकार होना चाहिए बनाने वाला चूना से घर, उसको जानकारी होना चाहिए कि कौन कौन इंग्रेडिएंट, बाबा रामदेव को पकड़े ना लेबर में, क्योंकि जड़ी बूटी ज्ञान तो उसी को है ना, जैसे हम लोग तो पहन ना जड़ी बूटी ज्ञान उसी को धरना, तो सीमेंट से लोग इसी हाँ, तो चूना से घर इसलिए लोग नहीं बनाता है कि इसे तुम्हें काम करने का एफिशिएंसी तुम्हारा घट जाएगा, नहीं चूना में 2 ईटा जोड़ेगा, 10 ईटा 20 ईटा जोड़ेगा, सीमेंट में 1000 ईटा भी जोड़ सकते हो, अब बहुत जल्दी फास्ट काम होता है सीमेंट में, इस कारण से सीमेंट यूज़ किया जाता है, चूना इस कारण से यूज नहीं किया जाता है। लेकिन सीमेंट बनता है चूना से, उसका मेन इंग्रेडिएंट 60-65% सीमेंट बनाने में चूना का यूज किया जाता है, अदर कंपाउंड भी उसमें फिर मिला करके सीमेंट बनाया जाता है, याद मत करो सीमेंट के बारे में। समझ में आ गया ना, इतना समझ में आ गया ना। तो ये हम लोग सीमेंट वाला जानकारी दे दिया, शायद समझ में आया होगा, लाइम और सीमेंट टॉपिक वहाँ था पढ़ने के लिए, शायद इसमें नहीं लिखा हुआ कभी, मैं पहले ही पढ़ दिया सीमेंट, कुछ लग गया ना है, आएगा टॉपिक बता देंगे, असली नकली सीमेंट का पहचान, ईटा का पहचान कुछ सिखा देंगे सिविल इंजीनियरिंग, नहीं काम देगा बाद में, देख करके पता कर सकते हो। अरे ये सब मारने का तरीका है ना, ऐसे करके दो बार घिर दो देखो। हाँ ठीक है, अब पढ़ो यहाँ टॉपिक, तो CaO हो गया क्विक लाइम, कली चूना हो गया, या ऐसे बिना बोझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड कहते हो। अब उसके बाद देखो प्रिपरेशन कैसे बनाओगे, कैसे बनाना है, हाँ यह इम्पोर्टेंट है, यह जब पढ़ेगा ना अभी, हाँ इसके अभी जितना वो इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ सोडियम पढ़ा, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑफ कैल्शियम, जितना इसमें बोलेंगे एक्शन ऑफ फलना एक्शन ऑफ चिलना सब इम्पोर्टेंट है, और सब एग्जाम में काफ़ी आता है क्वेश्चन इससे, ठीक है ना। तो चूना पत्थर प्रिपरेशन, नहीं 1300 से 1400 डिग्री सेल्सियस 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को, और सारे इंग्रेडिएंट मिला करके सीमेंट को बनाया जाता है, उसका अपना प्रोसेस सीमेंट कैसे बनाओगे जाना होगा, तो पढ़ाए हुए हैं लिखना, प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट जैसे क्लासेस आ जाएगा यूट्यूब पर कैसे बनाया जाता है। तैयारी, चूना पत्थर को 1000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके, किसको गर्म करेंगे, चूना पत्थर को, CaCO3 चूना पत्थर है, नहीं जाएंगे ना जब चूना पत्थर, तब वहाँ पढ़ाएंगे चूना पत्थर के बारे में, जान लो, रहने दो अभी, देख लो
CaCO3 को क्या कहते हो? कैल्शियम कार्बोनेट कहते हो। लेकिन आजकल थोड़े एग्जाम पूछेगा, उन्हें पूछेगा लाइम स्टोन का क्या होती है, चूना पत्थर का फॉर्मूला CaCO3, वो कह देगा। अगले बार पूछेगा कैल्साइट के बताओ, यही कहना। तब कहेगा अच्छा मार्बल बताओ, यही कहना है। कहेगा चौक बताओ, यही कहना है। पल्स सेल बताओ, यही बोलेंगे। समझना है ना? कल खिंचवा दिए थे हम, इतना समझ में क्या होगा? कोई दिक्कत? बोलो रामदास, नहीं है दिक्कत? हाँ तो एग्जाम में पूछेगा तो उसको प्रेम बता देना, नहीं चार बोले एक्स्ट्रे लिख देना वहाँ पर। CaCO3 को यानी कि चूना पत्थर को कितना डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करेंगे? 1000 डिग्री सेल्सियस पर। जैसे तू पहाड़ देखा है ना, अरे पहाड़ देखा है ना, तो चूना पत्थर का पहाड़ मिलता है। लिख मारो सर्च स्टोन ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, 1000 डिग्री सेल्सियस। 1000 से लिखा ना, दिखता है नहीं 1000 का CaCO3 को 1000 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे हम लोग? टेम्परेचर पर गर्म करने पर क्या मिलेगा? ये ब्रेक कर जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या होगा? ये उड़ जाएगा। उड़ता है कहने के लिए बंद कर लेते हैं डिब्बा में। नहीं ला इधर, ऐसे नहीं मारना है ना। हाँ तो जैसे देख रहे हो ना, स्टोन तुम्हारा है ना, रॉक ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देखो ऐसे बड़ा बड़ा रॉक मिलती है। अच्छा और छोटाई में दिखाते हैं, जैसे देख रहे हो ना, ये छोटा दिखाया गया है ना, ये बड़ा बड़ा शिला मिलेगा पहाड़ जैसे, देखे हो ना, तो वैसे कैल्शियम कार्बोनेट का पहाड़ मिलता है बड़ा बड़ा टुकड़ा। उसको ब्रेक करके अपने आवश्यकता के अनुसार से तुम देखता होगा कि जहाँ पुल्ला उल्ला बनता है उसके बगल में इतना इतना बड़ा चट्टान ला करके वहाँ धर देता है शिला, 50-50-60 किलो का वो तोड़ा किया है। उसी प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट का चट्टान होता है बड़का बड़का पहाड़ होगा। समझ जाएगा ना, कोई दिक्कत? हाँ तो उसको ब्रेक करके इस प्रकार से लाया गया है, ठीक है ना। उसी को देखो, पहले ऐसा था, पीस करके से बना दिया है, अब पीस करके ये बना दिया गया है। समझ में आ गया ना? तो हम लोग जो रिएक्शन हो लेंगे तो इस टाइप से कर लेंगे। समझ में आ गया ना? तो कैल्शियम का चूना पत्थर को, कैल्शियम कार्बोनेट को, चूना पत्थर, चूना, इसको क्या नाम दिया गया है? इसका नाम क्या है? चूना पत्थर। पत्थर के फॉर्म होगा ना, लेकिन वो चूना, इसलिए इसका नाम पड़ गया चूना पत्थर। चूना का पत्थर इसीलिए क्या हो गया? बात खत्म है। हीरा का पत्थर तो बोलेगा, डायमंड है, हीरा पत्थर हो गया वो, नहीं चूना का पत्थर, इसलिए चूना पत्थर नाम दे दिया। उसका फार्मूला CaC3 हो गया उस कंडीशन में। तो चूना पत्थर को 1000 डिग्री टेम्परेचर पर हम लोग गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। इतना समझ में आ गया ना? प्रिपरेशन, अच्छा प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज गुण, गुण देखो, देखबे करते हो सफ़ेद है, इसमें तो कोई कहने वाला आंख से देख कर कह सकते हो, यह सफ़ेद ठोस पदार्थ होता है, यह सफ़ेद ठोस पदार्थ होता है, होता है, यह जल में घुलनशील होता है। सी ए जलता है घुल में, जल में नहीं घुलता है, जाकर देख लो, पेंट कर रही है रहा, देख लेना घुलता है कि नहीं। यह जल में जल्दी नहीं घुलता है, खोसमतिया करने में घुलता है ना, बस हो गया। तुम ही तो खोसमतिया करवाता है ना, उन्हें करवा के खोसमतिया। यह जल में क्या होता है? घुलनशील होता है, नहीं जल में क्या होता है? और देख लो इसका द्रवणांक, इसका द्रवणांक 2600 डिग्री सेल्सियस होता है, सोच से परे है, नहीं सेल्सियस पर किसमें कन्वर्ट होगा? लिक्विड में, इसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब, ठीक है, हाँ ठीक बोले। चार नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्शन ऑफ, एक्शन ऑफ वाटर। एग्जामिनर का क्या है ये? समझ गया होगा, मौसा है, इसीलिए पूछता खोब है, कोई आए नहीं मौसा जी भोज में, आएंगे ही, अब बिना नौता दिल्ली पहुंच जाते हैं, नौता दो या वो तो कहेगा हमको तो फलना बोला था फोन करके, तुम्हारा नाम लगा देगा, अब तुम क्या कहेगा? नहीं बोले थे, नहीं मन होगा ना, तो ये मुँह से निकल जाएगा फलना प्रोग्राम कर रहा आइएगा। यह जल से प्रतिक्रिया करके कौन करेगा प्रतिक्रिया? CaO किससे करेगा प्रतिक्रिया? टिको बटन को, बेरोजगार वाटर से करेगा। समझ जाएगा ना? CaO किससे करेगा प्रतिक्रिया बताओ? वाटर से करेगा प्रतिक्रिया। अभी ये क्या है? बिना बुझा चूना है, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना है, ये किससे करेगा प्रतिक्रिया रामदास? जल से करेगा प्रतिक्रिया। तो जल से प्रतिक्रिया करके क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH हॉल टू और हीट निकलते हैं HEAT। याद होगा कभी आज से अरबों वर्ष पहले
तुम्हारे गांव में घर में पहले टटिया का घर होगा और मट्टी उसमें होगा और लदिया लाद में क्या करता होगा, चुनर करके छोड़ देता होगा शाम को, सुबह उससे करता होगा कलर, सुबह उठ कर भोरे भोर 5 बजे करता होगा ना, जिस वक्त बाल झटता छुम दे के उड़ता होगा पानी उसमें, गर्म गर्म रहता है ना उस वक्त हाथ देना उसमें कैसा महसूस होता है, लगता है खोल रहा है। इसीलिए लव पेज नया लव, इसमें कुछ और भी बहुत सारा बात हम लोग लिखेंगे इस पेज में, जगह ही नहीं है मेरे पास सफिशियंट। पेज लव नहीं रामदास देखो, सी ए ओ का किससे किया रिएक्शन, एच टू ओ से किया तो क्या बन गया, सी ए ओ एच अच्छा इतना का है मक्खी दिमाग खराब कर रहा है मेरा, मुंह पा के बैठता है, घुस देना पड़ेगा लगता है इसे, इसे कहते हो बिना बुझा चुना, इसे क्या कहते हो बिना बुझा चुना, बिना बुझा चुना चुना कहते हो मैट्रिक में, तो तुम लोग हाइड्रोजन करके पढ़े हो, नॉलेज तो खूब होगा तुम लोग को, सेकेंड डिवीजन था किसको, किसको फर्स्ट डिवीजन था बोलो रामदास है ना, यहाँ पर देखो इस लाइन को, खूब पूछता लोग हो कहता है क्रियाकलाप क्या पूछता है, वही पूछता है क्रियाकलाप ही, मैट्रिक ला के हंसा के रखो सीधा बैठ के रखो ना, तो ये भी बिना बुझा चुना था, ये जल जल है, ये क्या है जल जल वाटर है नहीं बिना बुझा हुआ चुना, अब सी ओ एच होल टू बन गया, क्या बन गया और हीट भी निकलेगा, तुम हीट निकल देखते हो हीट निकल रहा है रिएक्शन से नहीं, इसका नाम क्या होगा बताओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को क्या कहते हो, और देखो हाथ हटाओ, सिलेक्ट या स्लो लाइन, सिलेक्ट या क्या कहते हो स्लो लाइन, स्लो लाइन इसको हम लोग पुकारते हो, समझना गया ना, एक नाम ये एक नाम ये, या ऐसे क्या कहते हो मिल्क ऑफ लाइन, दुधिया चूना जिसे कहते हैं हिंदी में, शायद यही होता है मिल्क ऑफ लाइम वाटर, लाइम या फिर क्या कहते हो लाइम वाटर, देखो आजकल कैसे एग्जाम में क्वेश्चन देता है, या इसी को क्या कहते हो हाइड्रेटेड लाइम कहते हो, अब बिना बुझा हुआ चूना था, बिना बुझा चूना मतलब बताओ अभी पानी ऐड किए हो, अब पानी ऐड कर देगा तो क्या मिलेगा, बुझा हुआ चूना कहते हो इसको, बुझा हुआ चूना, काहे लेफ्ट राइट कर रहा है सर, नींद लग रहा है उसको, इतना बात समझना है ना, बोर्ड चेंज कर दो, तो आप बोर्ड चेंज कर दो, शाम में ऐसा ही होता है, बोर्ड चेंज करो हाँ शाम में ऐसा ही होगा, एक सेकेंड रोक देते हैं, शाम इतना बात हम लोग कह दिए, तो इसी को हम लोग इतना समान सब चीज कहते हैं, कोई दिक्कत बोलो एक दिन पवन भी गिरा चलो तो आगे हम लोग बात करते हैं, सुनो ध्यान से सुनना है, चीजों को ध्यान से सीखना है ना, कुछ और हम चीज खोज रहे हैं वो हमको मिल ले रहा है, एनसीईआरटी दसवां का अथी अथी को निकालो तो केमिस्ट्री गूगल हाँ उसमें से ना टेंथ का निकालो उसमें दिया हुआ है, नहीं जो चीज़ तुमको दिखाना चाहते हैं ना, कुछ कुछ याद है कुछ कुछ भूल गए हैं, ठीक है तो आगे हम लोग तब तक बात करते हैं, इतना चीज़ समझ में आ गया ना, अब इस सी ए ओ एच हॉल टू को, ये जो सी ए ओ एच हॉल टू है, सी ए ओ एच हॉल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ टेंथ निकालो ना जी, केमिस्ट्री सी ए ओ एच हॉल टू को कैसे करेंगे रिएक्शन, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से करेंगे, इससे मिलता है सी ए सी ओ थ्री और एच टू ओ वाटर मिलता है, सी ए सी ओ थ्री इसमें देखेंगे सर धातु सी ए सी ओ थ्री प्लस क्या मिलेगा वाटर मिलेगा, समझ में आ गया ना, इसको पकड़ करके सी ए ओ एच हॉल टू किसे करेंगे रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड, अरे सब पूछता है जितना बता रहे सब पूछता है, वैसे इसमें थोड़े लिखा है उसमें फालतू बात लिखा ही नहीं है, उसमें फालतू एक ही बात लिखा हुआ नहीं है, समझ में आ गया ना,
यहाँ ठीक है देखो। हाँ जो बताना चाहते हैं ना, तो उस समय पढ़ाए थे तो मेरे ध्यान में था ये चीज है ना। देखो इस चीज को तू लिख लेना कॉपी पर, समझ में आ गया ना, तुम्हारे बुक में नहीं दिया हुआ है हालांकि, तो इस चीज को कॉपी पर लिख लेना। सुनो इस चीज को पढ़ कर सुनाते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग। अभी देखा था ना ये बिना बुझा हुआ चूना था ना, तो बुझे हुए चूने, ये बिना बुझा था, ये क्या हो गया बुझा हुआ चूना, ये जो बुझा हुआ चूना का उपयोग है, इसी बुझा हुआ चूना का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। इसी चूना का यूज किया जाता है, लिख लेना सब बात नहीं लिखा है नहीं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब COH होल टू वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, COH होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना वायु में उपस्थित कौन चीज के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, हवा में रहेगा ना CO2 गैस उपस्थित, तो वायु में उपस्थित CO2 गैस के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके, कौन गति से, धीमी गति से, चूना जल्दी सटता दीवार में, धीरे धीरे सटता है ना पूरा, तो धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3 की एक पतली परत बना देती है। देखो चूना जिस वक्त तुम दीवार में देते पेंट करते हो रंगते हो उस वक्त पता नहीं, उस वक्त लगेगा मतलब फीका फीका है, और कुछ देर के बाद मतलब 2-3 दिन के बाद एक पतला सा बहुत परत ने बन जाता है, कभी इतना पतला नहीं लगेगा, पपड़ी थोड़ा उखड़ेगा, तो धीरे धीरे वही है वो जो परत है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट का परत है। यानी कि फिर से सुनो, ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बुझे हुए चूना का विलयन, अभी निकला CO2 इसका विलयन, पानी तो ऐड किया था तभी ना, बिना पानी ऐड किया बिना बुझा चूना में, तो बुझा चूना मिल गया, और उस विलयन का उपयोग दीवारों की क्या करने यूज करते हो, सफेदी करने के लिए करते हो। वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 है वायु में उपस्थित, हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से धीरे धीरे अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना पत्थर CaCO3 की एक पतली परत बना देती है, समझ में आ गया ना। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट निर्माण होता है, कहिए दिया है कितने दिन बाद निर्माण होगा, दो तीन दिन बाद होगा निर्माण, समझ में आ गया ना। और इससे दीवारों पर चमक आ जाएगा, झलक जिसके लिए तू करा था चमक के लिए क्या था ना, चमक आ जाएगा दीवार पर, इनेन था लिखा हुआ इसमें, इसलिए मैंने बता दिया खोज करके, समझ में आ गया ना करने के लिए क्या जाता है। और रोचक बात यह है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी CaCO3 ही होता है, नहीं तो इसे क्या कहते हो, संगमरमर का रासायनिक सूत्र भी क्या होता है, CaCO3 भी होगा, नहीं कहता है संगमरमर का घर बनाएंगे, संग मरमर अमरमर यही है ना, संगमरमर का सूत्र क्या होता है CaCO3 ही, और चूना पत्थर का भी CaCO3 ही होता है। तो अब जो CaOH2 इसका प्रोग्रेस समझ में आ गया ना, तो इस चीज को नहीं, किसका मोबाइल है, तुम्हारा मोबाइल है नहीं, इस मोबाइल सिस्टम नहीं है वो, उसके मोबाइल सिस्टम होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसी का पवन देव का है ना, तो हो गया है ना, नया सिस्टम दिया है ना नाजू 10 में। ये जो स्क्रीन शॉट लेता है ना, ये स्क्रीन शॉट मतलब ऐसे जो मारते हो ना ऐसे करके, ऐसे में भी आएगा, आया ना, तो ऐसे अच्छा आएगा, पिक अच्छा आता है, मतलब SD क्वालिटी थोड़ा सा इस प्रकार से। तो आगे चलो, आगे पढ़ो अब, तो COH हॉल टू पर ग्रुप बना देना, इसको काफी फेर में लिख लेना है ना, तो COH हॉल टू प्लस CO2 तो इससे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड करेगा तो क्या मिल जाएगा, CaCO3 मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, इसे इनसॉल्युबल व्हाइट PPT कहते हो, PPT के रूप में मिला ना, अब से रूप में मिला है नहीं ये, चलो वो नहीं जानना है, ये जो जानना है ना तो यहाँ जान लो कि CaCO3 के बारे में, CaCO3 के बारे में इसे क्या कहते हो, कैल्शियम कार्ब, हमको पता है क्या दिक्कत है, घर से प्रॉब्लम है, वहाँ भी सारा माथा खराब एकदम करता है, इसी को क्या कहते हो, लाइम स्टोन। अरे पूरा है ना, फिर टकाएगा ना, 1000 टका लगाएंगे ना तो पूरा कनेक्शन चेंज कर देंगे एक बार, पतरका तार है मान लो, बोर्ड में भी लगा है, खुंडी स्टेप्स है, उस मेहनत थोड़ा सा करना पड़ेगा, अभी बेरोजगारी में फुर्सत नहीं है उतना। लाइम स्टोन इसी को क्या कहते हो,
मार्बल कहते हो इसे क्या कहते हो? चौक कहते हो इसे क्या कहते हो? पल्स सेल कहते हो। जब इतना कहिए रहे हैं दो चार के बाद और भी झोली में डाल देते हैं, तू ले लेना उसको। CO3 आगे कहाँ गया है ना, चूना पत्थर या संगमरमर कहिए दिया है, हिंदी में इसको वही कहते हो, चूना पत्थर ऐसी क्या कहते हो? संगमरमर। कोई दिक्कत यहाँ तक? कितना पड़ेगा यार? अभी तो 3 पेज हुआ है, उन लोग को दो चार बजे स्वाहा स्वाहा जाओ यहाँ जाओ समझ आ गया ना। स्वाहा अब देखो एक्शन वाटर देख लिया, अब देखेंगे हम लोग एक्शन ऑफ एसिड देखेंगे। 5 नंबर में क्या देखेंगे? एक्शन ऑफ एसिड। अच्छा CaO में ये तो एक्शन ऑफ ये बताए थे ना भाई, एक्शन ऑफ वाटर देखबे किया। CaO में जल मिलाया, CaOH2 बन गया एक्शन ऑफ एसिड। CaO जो है किसे करेगा रिएक्शन? एसिड से करेगा रिएक्शन। तो Ca और Cl, तो CaCl2 कैल्शियम का 2 क्लोरीन का 1, कैल्शियम का 2 जगह क्लोरीन, क्लोरीन के का इधर CaCl2 बन गया। समझ में आ रहा है बात को? तो CaCl2 बच गया और बन गया H और O, तो पक्का अपना जल ही बनाएंगे। तो इस प्रकार से प्रतिक्रिया यानी कि यह अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और क्या बनाते हैं? जल। ये साल्ट है ना, अम्ल और क्षार बनके क्या बनाते हैं बताओ? समझ में ना। एक और ये है रिएक्शन CaO। देखो ये रिएक्शन याद कर लेना, दो रिएक्शन क्या करना है याद कर लेना है पूरा। ये पेज पूरा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं एक्शन ऑफ एसिड नहीं पूछता है, फिर तो नहीं देखें किस एग्जाम में पूछते हुए हम। तू देखना तो हमको कह देना, अगले बार से कह देंगे सबकी भी पूछता है तो बता देंगे आज से 5 साल बाद। CaO तब तक हम ही जान जाएगा, तुमको क्या बताएगा? CaO+H2O4 पूछेगा पता चले जाएगा ना, फलना एकदम क्वेश्चन आया था साइंस से। तो Ca कैल्शियम करेगा सल्फेट से रिएक्शन, दोनों का दो दो होता है, तो CaSO4 हो गया और एगो बेरोजगारी में क्या बना लिया? जल बना लिया। समझ में आ गया ना? कुछ और कहना है? जानवे करते हो क्या बोलेंगे, जल्दी करो। भेज लो PhD क्या था PhD कृष्णा रे हर से बार ऑन ऑफ कर देगा ना स्विच को, तब जाएगा फिर दे दे इन्हें दही देवाने मानो इसमें बोलता कौन यूजेज ऑफ। एक बार घर से स्विच कौन आप क्या देते बल्ब के स्विच का ऑफ लाइन नहीं छ। यूजेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, यूजेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग। समझ में आ गया ना? कैल्शियम किसका उपयोग करेगा? ड्राइंग एजेंट के रूप में, ड्राइंग एजेंट के रूप में इसमें यूज करेंगे। 2 नंबर में सीमेंट, ठीक है सीमेंट बनाने में, वो तो पहले कह दिए तुमको हम, इसके बारे में तो भाषणबाजी पहले कर दिए ना। CaO कभी सीमेंट बनाने में करते हैं ना, ज़्यादा मेजर इंग्रेडिएंट यही है ना, अब बाकी और भी इंग्रेडिएंट उसमें डाला जाता है नहीं, सीमेंट बनाने में, भखरा चूना बनाने में। भखरा चूना पढ़े हो अभी? नहीं पढ़े हो भखरा चूना? आगे आएगा भखरा चूना बनाने में। अरे भखरा चूरा क्या होता है फॉर्मूला? कहीं भखरा चूरा है क्या? वो CaOH हाँ तो अरे वही है वो जो था ना सरेक्ट लाइम CaOH लगा है कि खोल दिया है? लगा हुआ है ना, लिख देते हैं भखरा चूना वहाँ पर, फिर पेज में लगा ना, लाओ कॉपी पर धरो ना, लिख देते हैं बाद में, फिर कॉपी पर धरो यहाँ पर। तो CaOH2 जो पढ़ा है ना अभी, कहाँ पर पढ़े हैं CaOH2 को? इसमें कहाँ है? नहीं उसमें था, हाँ CaOH2 ला, एक जगह लिख देते हैं तो बाद में फिर एक जगह नहीं उधर लिखेंगे कहाँ CaOH2। हाँ इसी को भखरा चूना भी बोल झोला हम ले लो,
इसे क्या कहते हो? बखरा चूना भी कहते हो। देखो ये ढूंढ के लाना पड़ता है, एक किताब में कहीं नहीं मिलेगा लिखा हुआ। एक जानवर तो पूछे उसको थोड़े मतलब है, तुझे किताब पढ़ा है चार गो? कहेगा नहीं नहीं खाली लुसेंटे पढ़े हैं, आजकल तो सब वही पढ़ता है। लुसेंट पढ़ता है ना जनरल तैयारी जो करता है ना, पक्का लुसेंट उसके पास होगा। मेरे पास लुसेंट है, ऐसा नहीं है किसके पास लुसेंट नहीं, मुझे विद्यार्थी नहीं है, सीधा समझ सकते हो। नहीं कैसा ऐसा कोई बात नहीं है, लुसेंट होबे करेगा। अरे हम प्रोफेसर के तहत पास लुसेंट देखे हैं, हमको तो आश्चर्य लगा आखिर है केस में वो भी लुसेंट रखता है। तो लुसेंट वो चीज़ है, तुम लोग खरीदा लुसेंट अभी तक? ये तो कहने वाला बात है, लुसेंट सबके पास रहता है। तो लुसेंट और पुसेंट कहीं जाके इतना बात नहीं मिलेगा। हम भी एक जगह नहीं है तो चार जगह से लेकर लिखते हैं, तो एक नोट्स बन जाएगा तो बहुत कम लगेगा। कर अपना सब अभी से नौकरी की तैयारी करना, तो ये कौन चुना हो गया बोलो? ये भखरा छोड़ दो, अलेवन ट्वेल्थ का छोड़ना। जो क्वेश्चन मान लो पूछता है जो सेम टॉपिक में उसको पढ़ लेना है। यस सर। रास्ते में जा रहे हो ना, आम का लीची गाछ है, गर्म लगता धंधे करते हो तो उसमें हम क्या करेंगे? गर्म लगता है जाओ जाने दो, निकलो ना, तो उसमें कौन कहने वाला होगा? गर्म लगता है तो उसका तो काम है गर्मी लगना है। अरे जेवर पहनते हो ना, लेडीज सब पहनती है ना, तो उसको बनाने से पहले तपना पड़ता है नाग में, तो तुमको भी तपना पड़ेगा। फ्री में कुछ नहीं मिलता है। नहीं जब तक पत्थर को नहीं तरसेगा लोग उसको, दो पत्थर रास्ता में, एगो पत्थर ये था नहीं, एगो आदमी आया बोलेगा कौन चलेगा मूर्ति बनाएंगे, तो एगो कम कोजेट लोग बुलाई हो, कौन मथा खराब करेगा? तू छीले छलेगा हमको, हम अपने बैठा लेते हम रहने दो, ये रास्ते में रह गया और रास्ते पर पत्थर था ना, कहा हम जाएंगे और उसको माथा छिला, इसको बड़ा कष्ट हुआ पत्थर को, मतलब समझो एक तरह से पत्थर में निर्जीव होती है ना, और बाद में छिला ना तो लोग इसको पूजा कर रहा था, लोग पानी से धो रहा था, मीठा मीठा गरम गरम भोजन दे रहे थे, ये बहुत खुश था। और इसको लैस ठोकिया कर उधर लोस लैस ठोकिया करके पहले कट सहाना तब ना पूजा होगा, तो वही बात है पहले कट सहना पड़ेगा, गर्मी है। चलो दूसरा कंपाउंड देखो यहाँ से समझ जाएगा, नहीं तो वही होगा, ठोकर मार के उधर फेंकेगा, ठोकर मार के और वही पत्थर मंदिर में भी है ना, लोग बड़ा उसको पूजते हैं, माथा टेकते हैं, भला बाबा की जय हो। समझ में आ गया ना, एगो वही रास्ते का पत्थर है, उसको भी तलाश दो मंदिर, एक सेफ दें तो आकृति खाली बस आना। हाँ हाँ कोई दिक्कत वाला गप नहीं है। CaOH2 नहीं, इसका सब नाम हम लोग पढ़ा दिए। प्रिपरेशन तैयारी। कैल्शियम ऑक्साइड की प्रतिक्रिया किससे कराएंगे? जल से, अभी देखा है ना CaOH2 बनाना, अभी रिएक्शन करवे किया है तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड की प्रति किससे? जल से कराएगा तो क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्या मिलेगा? रट ही लेना इसे, जो दो को तीन को पेज बोले थे इम्पोर्टेंट है, आईबे करेगा एग्जाम में, नया नया सवाल ही नहीं होता है, घूर फिर के एग्जाम सिटिंग में शूटिंग देवे करेगा। आजकल कई सिटिंग एग्जाम होता है, किसी सिटिंग में आ सकता है, रेगुलर एग्जाम होगा तो ढेरी सिटिंग में ढेरी सेट बन जाएगा क्वेश्चन, 40-50 सेट क्वेश्चन बन जाता है, नहीं होता है, एक महीने चलता है ग्रुप डी का एग्जाम लेना या ना। ग्रुप डी दे रहा है हीट। प्रॉपर्टीज आजकल ग्रुप डी नहीं रहा, लोअर मत देखो, क्वेश्चन लेवल बढ़ चुका है, इसीलिए कह रहे ध्यान दो, वो गया ग्रुप डी का समय, राम का जो 10 है तो श्याम का जो कितना साल होगा, वो समय चला गया, अब वो समय नहीं रहा, अब लगभग सब एग्जाम के लेवल एक ही, थोड़ा 19-20 है, कंटेंट उतना ही पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा जो नोमरिकल फार्मूला पढ़ लो फलना ग्रुप डी में पूछेगा, अब फार्मूला पर नोमरिकल NTPC में पूछेगा, अंदर इतना ही है, दो स्टेप अगर बढ़ जाएगा तो वो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो आजकल वो समय आ चुका है, इसीलिए ध्यान से पढ़ना है, टॉपिक को क्लियर करके पढ़ना है। अब देखो तो ये चीज़ जान लिया, प्रॉपर्टीज देखो जानबे करते हो, हमारा सर्च कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किधर है यहाँ से, इसी मारेगा ना। गिरा देना कभी, कहना मिस्टेक हो गया सॉरी। चलो अगर यह सफ़ेद ठोस पदार्थ होता है, यह क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह सफ़ेद ठोस पदार्थ होता है, और जानबे करते हो यह जल में क्या होगा, तबे ना पेंट करते हो, यह जल में क्या होगा, घुलनशील होगा, लोग खाने में भी यूज करते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप से होती है, यह जल में घुलनशील होता है। समझ में आ गया ना, यही आया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यही तो है अभी, ये मतलब वो पानी ने ऐड किया हुआ तो पानी मेड कर देगा तो उस प्रकार से होगी, समझ में आ गया, यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, तो चूना हो गया ना। हाँ चलो, जल में घुलनशील होती है। एक्शन ऑफ एसिड, तीन नंबर में एक्शन ऑफ हीट पहले पढ़ेंगे,
एक्शन आप क्या पढ़ेंगे हम लोग, पहले हीट पढ़ेंगे, इसको गर्म करेंगे, जो रिएक्शन पूछेगा सी ए ओ एच हॉल टू को क्या करेंगे हम लोग, गर्म करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो पहले पढ़ा चुके हैं सी ए ओ मिलेगा और क्या मिलेगा, जल मिलेगा, तो बुझबे करते हो ऊपर गया तो जल निकालने बाहर उड़ जाएगा, भाप बन के या निकाल लो उसको। चार नंबर में एक्शन ऑफ ई करके छोड़ देते हैं, एक्शन ऑफ एसिड, एक्शन ऑफ एसिड अम्ल का क्या, एसिड का ठीक है, मिलता जुलता टॉपिक उधर से है, या अम्ल से प्रतिक्रिया करेगा सी ए ओ एच हॉल टू किसे करेगा प्रतिक्रिया, अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, क्या बनाते हैं एग्जाम में रिएक्शन में पूछेगा, क्या पूछेगा कि एग्जाम पूछेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अम्ल से प्रतिक्रिया क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं एग्जाम, समझ जाएगा ना ये चीज़ है। तो सी ए एस सी एल सी ए सी ए सी एल टू और एस टू ओ जल का निर्माण करेगा, बैलेंस करने के लिए जानबे करते तुम लोग पढ़ा लिखल लोग हो, बेसी बोलेंगे तुम लोग क्या हम लोग जानते फिर से बता दें। फिर यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है एस टू ओ से फोर से रिएक्शन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से नहीं, और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करके कैल्शियम है यहाँ सल्फेट है सी एस एफ बना लिया और एच टू और ये जो मिला क्या बना लेगा जल बना लेगा, बैलेंस करने के लिए यहाँ भी क्या लगा दो, दो लगा दो और यहाँ भी क्या लगा दो, कुछ नहीं लगाना है बैलेंस हो गया। लास्ट स्टेप एक्शन ऑफ सी ओ टू नहीं, ये भी रिएक्शन जरूरी है। पाँच नंबर में मन तो हत्या का कब घर जाए, किसी को होता है हमेशा है, जिसको हो रहा है वो समझ गया होगा एक्शन ऑफ सी ओ टू समझ में गया ना, फोन सोच रहा अगर शाम का नाश्ता बनता है गरम गरम घर पर कहीं जाएंगे सट नहीं दें, बनता है शाम का नाश्ता बनता होगा ना, चाय तब बनता होगा, कौन चाय पीता है इसमें सबका दांत खराब होगा, गर्म चाय मत पीना खराबी करता है, सिगरेट पीने के बराबर चाय पीने, कोई सिगरेट पीता है ना और कोई चाय पीता है ना, बात बराबर है, दोनों में किस चीज़ पाया जाता है बात तो जान लो, जो पाया जाता है ना चाय पत्ती में कैफीन इस प्रकार से निकोटीन है ना, चाय पत्ती में निकोटीन पाया जाता है ना, सिगरेट में क्या पाया जाता है निकोटीन, तू सिगरेट पी तो बुढ़वा पीता है ना, चाय तुम बेवकूफ़ करता है ना, अभी बेवकूफ़ आप चाय पीते हैं, कोई दिक्कत समझ पाएगा ना, एक ही बात है देखने लोग नजरिया अलग अलग है, तो ये बात जान लो उसको समय ना थोड़ा बैठा प्रभाव बैठी है क्या है चाय पी रहे हैं जिसमें क्या है क्या है निको, फिर अलग एक ही बात है ना, छोड़ो तू समझ रहे हो ना तो समझ लो, इसीलिए चाय पीने पीते हो ना सिगरेट न पीते हो अपने आप को शरीफ मत बुझना, तू तो सिगरेट बराबर पी रहे हो वही काम करेगा जो सिगरेट के काम है, सिगरेट काम क्या धंधे करते हो, सिगरेट पिएगा तो इस सबको पैरा जल्दी हो जाता आदमी, उसी चाय पीने के बाद जो होगा कोई दिक्कत आज नहीं पीना, हम पीते भी नहीं वैसे करते हैं टक्के जन तो चेक बदला में नहीं पियेंगे, बेसी लीड करता है ना कहेंगे ला 10%, अगली बार तू कहबे ना करें कुटमेती में कि कहीं कहेगा लाओ ना पैसे लाओ ना उसमें हमको शर्म फिर लगता है मांगने में, अगली बार से कहेगा नहीं पियेंगे चाय कुछ भी नहीं करेगा, उल्टा है कहेंगे तो फिर इसका जवाब पत्थर से मिलेगा, एक बार कह दिए नहीं पीना है तो नहीं देगा तो ठंडा करके गिलास लाओ जब तक पेट नहीं भरेगा, अरे पेट में भरा फिर क्या फायदा, हमको आधा पेट से मतलब नाश्ता देना है तो आधा पेट नाश्ता मत करते, इतना दो के पूरा पेट भर देना चाहिए मेरा, तभी नाश्ता भी नहीं करते हैं कोई दिक्कत, नाश्ता में पूरा पूरा तो सब्जी रोटी दो भर पेट खा लेंगे, नाश्ता खाना की है मेरा उतना ही खाएंगे जितना नाश्ता उतना खाना बात बराबर है, चाय पीना है एक गिलास कम दो तभी ना कोनो गप हुआ, ठंडा का थोड़ा देना है, अगर गर्म गर्म कम पियेंगे ठंडा करके एक बार घिंच लेंगे सोचने वाली बात है ना, फायदा करते ठंडा करके चाय पीना है ठंडा कर पियो गर्म मत पियो सब फायदा करेगा, ये बात होती है नहीं, आप कोशिश करो कि दूध चाय पत्ती को ला मत, लाल चाय वो सब उसमें से इम्पोर्टेंट उसमें जो उसमें जड़ी बूटी मिला जाए थोड़ा फायदा करेगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हम लोग चल रहे हैं, ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बनेगा यहाँ से पैन बनेगा नहीं, हाँ यूजेज उपयोग देखो, कली चूना बनाने में इसका उपयोग कहाँ करेगा, कली चूना अभी पढ़ा था ना, कली चूना बनाने में विरंजक चूर्ण कल पढ़ाएंगे, विरंजक चूर्ण को विरंजक चूर्ण बनाने में तीन नंबर में मकानों की सफेदी में, मकानों की सफेदी में अब किससे घर बनाएगा चूना से की चूना से मकानों की सफेदी में 10 साल रहने दीजिए वैसे लंबा समय लगेगा और फिर ही कटाया जाएगा तो हाँ सीमेंट बनाने में थोड़ा तो बन गया है नहीं कौन सी बनाने में वो तो सीमेंट से बनाने में नहीं कुछ ऐसा चीज बनाना जो कि ज्यादा समय तक रखना होगा ना तो बनाना किससे चूना से ही बनाना थोड़ा सा आयुर्वेदिक ज्ञान ले लेना उसमें कौन कौन सा ताजमहल जो बनाया गया तो उसमें कौन कौन सा मतलब पेड़ का रस मिला करके उस प्रकार से बनाया गया है नहीं आज देखो हिंदू जमाने का जो पहले का मंदिर था